नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। वैसे तो राइस हर घर में बनता है और अपने अपने तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं हमेशा चेंज करके बनाती हूँ जिससे स्वाद बना रहता है और अलग अलग तरह से राइस खाने में मज़ा भी आता है। तो आज मैं बना रही हूँ शेजवान चावल। शेजवान राइस के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी राइस और 1 मुट्ठी चने की दाल, जो दोनों एक साथ भिगो कर और मैंने पानी निकाल दिया है। एक मैंने प्याज लिया है, इस तरह से टुकड़े काट लिए हैं। एक आलू लिया है, इस तरह से टुकड़े काट लिए हैं। एक मुट्ठी बीन्स लिए मैंने और एक मुट्ठी मटर लिए हैं। तो आप सब्जियां कुछ भी डाल सकते हैं और मैंने थोड़ी सी गोभी भी ली है। तो इस तरह से आप सब्जियां अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये हमने कुकर में 1 चम्मच बड़ा भर कर तेल का ले लिया है। इसमें हम अब डालेंगे जीरा और डालेंगे सरसों दाना। अब ये सब्जियां हम दो सूखी डालेंगे लाल मिर्च, गोभी। अब इसमें डालेंगे राइस और चने की दाल, इनको भी थोड़ा सा सोते कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे शेजवान चटनी 2 चम्मच, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, 1/4 स्पून काला नमक। मिर्ची हम नहीं डालेंगे क्योंकि शेजवान में है, और इसको हम छोटे कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लेमन का जूस, तेज पत्ता, चक्री फूल, 4 काली मिर्च। ये हमने वैसे ही डाली है क्योंकि पकने से इसका फ्लेवर आएगा, हमने तेल में नहीं भूनना इनको, वैसे ही डाली है। 1 इलायची बड़ी वाली, कच्ची डालने से इनका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो हमारा 1 कटोरी चावल और था, तो उसमें हम 2 कटोरी पानी हो गया, और थोड़ी सी सब्जियां हैं तो हम 1/2 कटोरी पानी और डालेंगे। तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया है। अब इसे हम ढक्कन लगा देते हैं और इसको जैसे और चावल बनाते हैं वैसे ही बनाना है। 2-3 सीटी लगा के बंद कर देंगे हम गैस को। 4 व्हिसल आ गई हैं, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। देखिए कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको हम खोल लेते हैं। और ये देखिए हमारे शेजवान राइस खिले खिले एकदम बढ़िया। तो रेडी है हमारे शेजवान राइस, अब इसे गार्निश करते हैं शेजवान चटनी से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।